एक और अहम खबर आपको बताएं, जिसमें अखिलेश के करीबी और गठबंधन में साथी रहे जयंत चौधरी ने भी अपनी राहें अब उनसे अलग कर ली हैं। जयंत चौधरी अखिलेश का साथ छोड़ रहे हैं और खबर तो यह है कि जल्द ही एनडीए में उनके शामिल होने का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा। राजनीति में ऐसा ही होता है, सोचने का वक्त कहाँ मिलता है, लेकिन सबसे करीबी साथी को ना पता हो तो थोड़ी हैरानी जरूर होती है, जैसे अखिलेश को नहीं हुई। अखिलेश यादव को भी भनक नहीं लगी कि चुनाव से पहले जयंत खेला कर जाएंगे। बीजेपी के साथ जाने की खबर सोशल मीडिया पर कई दिनों से तैर रही थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा के बाद से ये तय माना जाने लगा कि जयंत साइकिल छोड़कर कमल की शरण में जाएंगे। बस इंतजार था जयंत के ऐलान का या विधायकों की हाँ का, फिर क्या, जयंत मीडिया के सामने आए और दिल की बात कह दी। मैंने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा। जयंत और अखिलेश के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा था। अखिलेश कुछ समझ पाते उससे पहले ही बीजेपी ने खेला कर दिया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी और फिर वही हुआ जो बीजेपी चाहती थी। जयंत का मन प्रफुल्लित हो उठा। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। जयंत खुश हैं, वो जल्द ही बीजेपी के रथ में सवार दिखाई देंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देंगे।